और अतीक अहमद से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, अतीक अहमद आज डीएम से अपील कर सकता है, बेटे के अंतिम संस्कार के लिए पेरोल मांग सकता है। अतीक के बेटे असद को आज दफनाया जा सकता है और कोर्ट में छुट्टी होने की वजह ये याचिका दाखिल नहीं होगी। तो अतीक अहमद आज डीएम से अपील कर सकता है, पेरोल मांग सकता है अंतिम संस्कार के लिए अपने बेटे के, और ऐसे में देखना होगा कि कोर्ट में जो छुट्टी है उसकी वजह से याचिका दाखिल नहीं होगी या फिर होगी, क्या कुछ होगा ये देखने लायक रहेगा। तो अतीक के बेटे असद का अंतिम संस्कार होना है, कल पुलिस से मुठभेड़ के बाद उसका एनकाउंटर हो गया था जिसको लेकर आज उसे दफनाया जा सकता है, और ऐसे में अतीक अहमद इस वक्त खासा शौक में है और आज अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वो पुलिस से और साथ ही साथ पेरोल मांग सकता है अपने बेटे के अंतिम संस्कार में शामिल होने के। और चलिए आगे बढ़ेंगे, असद के शव को नाना और मौसा लाएंगे, वकील के साथ झांसी जाकर असद का शव लाया जाएगा, शाम को प्रयागराज में उसका शव दफनाया जा सकता है। ऐसे में शूटर गुलाम का शव लेने से परिजनों ने इनकार कर दिया है, झांसी से गुलाम का शव लेने ससुराल के लोग जा सकते हैं, प्रयागराज में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। शूटर गुड्डू की मां उसका शव नहीं ले रही है, उन्होंने इनकार कर दिया है, मां बेटे गुलाम का चेहरा भी नहीं देखना चाहती है। गुलाम के भाई राहिल हसन और उसका परिवार भी ना तो शव लेने जाएंगे और ना ही अंतिम संस्कार में शामिल होना चाहते हैं। गुलाम की पत्नी पर ससुराल के लोग झांसी जा सकते हैं, समय वो लोग किसी के संपर्क में तो है नहीं, लेकिन हो सकता है कि वो लोग झांसी जाएं और ये पूरा शव लेकर। और ऐसे में खबर आ रही है कि फरार चल रही शाइस्ता परवीन बहुत जल्द सरेंडर कर सकती है और आज शाम को असद का अंतिम संस्कार हो सकता है, और उससे पहले वो पुलिस के सामने सरेंडर कर असद के अंतिम दर्शन करने की अपील भी कर सकती हैं और वकीलों के जरिए वो पुलिस के सामने सरेंडर कर सकती हैं। साथ ही साथ आशंका है कि वो अंतिम संस्कार स्थल पर सीधे भी पहुंच सकती हैं, तो बहुत बड़ा सस्पेंस यहां पर बना हुआ है। जल्द ही शाइस्ता परवीन भी सरेंडर कर सकती हैं, पुलिस के आगे सरेंडर कर सकते हैं या फिर अंतिम संस्कार स्थल पर सीधा पहुंचकर वहां पर सरेंडर कर सकती हैं। हालांकि देखना होगा कि आज शाम को जो अंतिम संस्कार होने वाला है वहां पर आज शाइस्ता परवीन पहुंचती है या नहीं। सूत्रों की माने तो बहुत ही जल्द शाइस्ता परवीन भी सरेंडर कर सकती हैं। ये देखना होगा कि पुलिस के सामने सरेंडर करती है या फिर आज डायरेक्ट अंतिम संस्कार स्थल पर पहुंचकर वहां पर पुलिस के आगे सस्पेंड। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।